और देखिए एक बार फिर से कोविड-19 वायरस की चपेट में चीन आ चुका है और चीन में बीते 24 घंटे में 2119 नए केसेस सामने आए हैं। अकेले शंघाई की बात की जाए तो यहां पर 1931 नए केसेस दर्ज किए गए। पहले चीन, फिर अमेरिका, उसके बाद यूरोप। एक एक करके जिस किलर कोरोना वायरस ने इतने ताकतवर देशों में तबाही मचाई, वही कोविड-19 वायरस एक बार फिर से कहर मचाने लगा है। पूरी दुनिया इस मेक इन चीन वायरस की मार से करहा रही है। खुद चीन भी अपने इस फैलाए वायरस की गंभीर चपेट में है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक 24 घंटे में यहां 2119 नए मामले मिले हैं, जिनमें अकेले 1931 केस शंघाई में दर्ज किए गए हैं। हालांकि एक दिन में 2730 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। शंघाई में संक्रमण बढ़ने से पाबंदी भी सख्त है, लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक है और बिना अनुमति किसी को भी घर की दहलीज से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक परिवार में से एक दिन में सिर्फ एक शख्स को ही जरूरी सामान लाने के लिए बाहर निकलने की इजाजत है। जिंगान के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सभी मॉल, शॉपिंग सेंटर और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय लोगों के घरों में खाने पीने तक की भारी किल्लत हो गई है। हालात ये है कि प्रवासी लोगों ने नौकरी पेशे की तलाश शुरू कर दी है। लॉकडाउन की वजह से कईयों की नौकरी चली गई है। आर्थिक तंगी से परेशान इन लोगों ने अब नौकरी की तलाश शुरू कर दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।